क्रिकेट टीम तो नहीं ज्वाइन करनी है, आगे एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दूंगा एयरफोर्स में जाकर। एक इंसान की जो अचीवमेंट होती है ना दुनिया में, उसका एक होता है गोल होता है उसका कि मैंने ये अचीव करना है, ये मेरा ख्वाब है। वो मेरा ख्वाब, मेरी अचीवमेंट एक पूरी हुई थी जब मैंने इमरान खान से अकेले में मुलाकात की 1-to-1। पहचाना मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे इमरान खान एक अच्छा शख्स है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, एक इतने बड़े इस्लामिक लीडर है। वो पॉलिटिक्स में आए, उनको रहने दिया किसी बुरे शख्स ने पॉलिटिक्स में? वो जब वजीर आजम बने किसी ने रहने दिया उन्हें सीट पर? वो एक जहाद करने वाले एक शख्स हैं, जो जहाद कर रहे हैं। उनको पसंद मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो खुदा हैं, किसी से भी नहीं डरते, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, किसी को सुपर पावर नहीं मानते अल्लाह ताला के अलावा। अब देखिए, हम इन दो खानदानों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। आप बताएं, हम इन दो खानदानों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। हम भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, मैं भी लीडर हूँ, यहाँ पे हर एक जो गरीब बंदा है वो भी लीडर है। देखने और सुनने वालों को सलाम, उसाफ डिजिटल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ एहसन वाहिद और आज मैं आपकी इमरान खान साहब के एक नन्हे टाइगर से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ये वो टाइगर है जो कि बचपन से खान साहब का मदा है और तकरीबन 4-5 साल से जो है वो उन्होंने खान साहब को सपोर्ट करना शुरू किया। पहले उनके वालिद सपोर्ट करते थे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया और अब जो है उनकी उम्र जो है वो 13 साल हो चुकी है। अभी तक जो है वो खान साहब के मदाई हैं। हाल ही में उनकी खान साहब से मुलाकात भी हुई है, खान साहब ने उन्हें जो है बर्थडे भी विश की है। और ये मुझे खान साहब का एक विकरा जहन में आ रहा है जो उन्होंने 2013 इलेक्शन से पहले बोला था कि मेरे जो वोटर थे वो इससे पहले बच्चे थे, जिसकी वजह से मैं हर इलेक्शन में 1 या 2 सीटें जो है वो जीत पाता था। अब जो है वो मेरा वोटर जवान हो गया है, शनाख्ती कार्ड होल्डर हो गया है, तो अब मुझे इलेक्शन में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, कुछ वोटर जो थे वो 2013 और 2018 के इलेक्शन में जो थे वो यंग हो गए थे और CNIC जो है वो होल्डर हो गए थे, लेकिन मजीद जो है वो अब CNIC होल्डर हो गए हैं और अब तो खान साहब को 2023 के इलेक्शन में शिकस्त देना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए आपकी उस नन्हे मदा से मुलाकात करवाते हैं और फिर उनसे जो है वो बात करके आपको बताते हैं कि किस तरह वो खान साहब तक पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो बताइएगा आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इयाका नाबुदु वइयाका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद अजान है और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ साइंस सब्जेक्ट्स, 9th में, 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ और फील्ड्स में जा रहा हूँ कि मैंने आगे एग्रीकल्चर फील्ड चूज़ करनी है या एयरफोर्स। अच्छा, खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको बर्थडे विश भी किया, कैसी हुई मुलाकात हुई? ये सबसे पहले मैं अपने फादर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले भी वो 2014 के धरने में मुझे लेके जाते थे, अपने साथ मुझे लेके गए, 70-80 डेज में लगातार जाता रहा अपने पापा के साथ। और उसके बाद अब 2022 में उनकी एक मीटिंग थी KP हाउस में, उस मीटिंग के अंदर खुद भी गए थे, तो उसके बाद मुझे भी लेके गए, मुझे साथ लेके गए उधर। मेरी मैंने उनका वेट किया बहुत ज़्यादा, खान साहब का मैंने 4 से 5 घंटे मैंने उनका वेट किया। उसके बाद मुझे अंदर ले गए थे, डॉक्टर शहबाज़ गिल आए थे बाहर, उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे अंदर ले गए। उसके बाद इमरान खान अंकल से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर शहबाज जी गिल ने जब देखा तो क्या कहा? वो पहले तो जब वो शुरू में जब वो एक मीटिंग ख़त्म करके अंदर गए थे सारे, तो उन्होंने मुझे देखा तो उस वक्त उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 4-5 घंटे बाद जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा बाहर खड़ा है लगातार काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे उसके बाद अंदर लेके गए थे। अच्छा, जब खान साहब से मुलाकात हुई क्या जज्बात थे? एक इंसान की जो अचीवमेंट होती है ना दुनिया में, उसका एक होता है गोल होता है उसका कि मैंने ये अचीव करना है, ये मेरा ख्वाब है, ठीक है। वो मेरा ख्वाब, मेरी अचीवमेंट एक पूरी हुई थी जब मैंने इमरान खान से अकेले में मुलाकात की 1-to-1। खान साहब ने क्या कहा? सबसे पहले मैं उनके पास गई, उन्होंने सलाम दुआ, उन्होंने हालचाल पूछा मेरा, मैंने भी उनसे बातें शातें की थोड़ी सी। उसके बाद उनको मैंने अपनी फ़ोटो दिखाई 2014 के धरने वाली, उन्होंने पूछा कब किए, मैंने बताया 2014 के धरने की है जब आपने 120 दिन का धरना अनाउंस किया था। मैं उस वक्त 70-80 डे, अच्छा कितने अच्छे, अच्छा वो माशाल्लाह। फिर उन्होंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, मैंने बताया मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, साइंस सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद उनको मैंने एक तस्बीह का तोहफ़ा दिया, वो खुश हुए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल वहीं पे खड़े थे, उन्होंने बताया इसकी बर्थडे भी आज, हैप्पी बर्थडे अजान लिख के आगे साइन किया। वैसे इंसान की ख्वाहिश होती है उस शख्स तक पहुँचना जिसको आप चाहते हों, जिसके आप मदा हों, जिसके आप फ़ैन हों, ठीक है, और वो शख्स आपको पहचान जाए, वो आपको जानता हो, तो फिर क्या खुशी होती है? मुझे वैसे उम्मीद बहुत कम थी, 10% उम्मीद थी 100 में से कि मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन जब मैंने उनको तस्वीर दिखाई कहते हैं अच्छा अच्छा, उन्होंने जब मुझे पहचाना मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मुझे पहचान ली। मैं 2014 के दिन में मुझे उनको याद आ गया। ये तस्वीर क्यों आपने हाथ में पकड़ी? ये एक तो अल्लाह के जिक्र के लिए, ठीक है, और दूसरा इमरान खान भी को भी आपने देखा होगा, वो जब भी आगे पीछे होते हैं हर वक्त उनके हाथ में तस्वीर होती है, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। तो मेरे फादर भी ऐसे ही हैं, वो भी जब बाहर निकलते हैं
और घर में बैठे हुए हैं, तब भी वो तस्बीह का वो कर रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं अल्लाह ताला का। और ये मेरा भी एक शौक है और अल्लाह ताला से ही मोहब्बत है कि मैं हाथ में तस्बीह रखता हूँ। स्टेप बाय स्टेप खान साहब को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं? बिल्कुल। क्या प्लान है पाकिस्तान टीम? क्रिकेट टीम तो नहीं ज्वाइन करनी है, आगे एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दूँगा एयरफोर्स में जाकर। बहुत अच्छी बात है, आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। खान साहब के मदा हैं, खान साहब क्रिकेटर रहे, खान साहब से आपकी मुलाकातें भी होती हैं, वो आपको पहचानते भी हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों की इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं है, एक मीटिंग का उन्हें टाइम नहीं मिलता, आपको मिला है। और खान साहब एक बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, पाकिस्तान की बड़ी जमात के सरबराह हैं, तो पॉलिटिक्स में नहीं आना? पॉलिटिक्स में नहीं आना। क्यों? पॉलिटिक्स एक बुरी फील्ड है, जैसे आप देख सकते हैं इमरान खान एक अच्छा शख्स है, एक अच्छे, वो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, एक इतने बड़े इस्लामिक लीडर है, वो पॉलिटिक्स में आए, उनको रहने दिया किसी बुरे शख्स ने पॉलिटिक्स में? वो जब वज़ीर आज़म बने आवाम की पावर के साथ, जब वो अपनी सीट पर आए, उन इतने अच्छे शख्स है, किसी ने रहने दिया उन्हें सीट पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बुरे लोगों ने इनको सीट से उतार दिया, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं आना मैंने, बुरी फील्ड है। सिर्फ हालांकि खान साहब तो पॉलिटिक्स में हैं, अगर लोग यही सोचते रहेंगे कि यार ये बुरी फील्ड है, हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो फिर तो बुरे लोग ही हैं वो पाकिस्तान को चलाते रहेंगे, अच्छे लोग कैसे आएंगे? अब देखें ना, कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा रहा, ये अब एक बंदे का वो शौक़ होता है, ठीक है। अब मेरा ये शौक़ कि मैं पॉलिटिक्स में, मैं सपोर्ट करूँ इमरान खान अंकल को, अगर मुझे टिकट मिला, अगर इंशाल्लाह अगर मुझे टिकट मिला तो मैं इलेक्शन लड़ूँगा, ठीक है, लेकिन वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। तो ये जो सारा प्रोसीजर हुआ है, सारे प्रोसीजर के बाद आपकी लाइफ में कुछ तब्दीली है? ये एक तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, मैं बहुत खुश था, मेरे घर वाले भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है, और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं था, बस सारे खुश थे मेरे से। अच्छा, खान साहब को आप सपोर्ट तो करते हैं, मदा भी हैं, फ़ैन भी हैं बचपन से, आपके वालिद साहब भी उसी जमात का हिस्सा हैं, करते क्यों हैं, पसंद क्यों है इतना इमरान खान? एक तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक जहाद करने वाले एक शख्स हैं जो जहाद कर रहे हैं, ठीक है, और उनको पसंद मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो खुददार हैं, किसी से भी नहीं डरते, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, किसी को सुपर पावर नहीं मानते अल्लाह ताला के अलावा, ठीक है। और दूसरा, वो एक इस्लामिक लीडर हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रोशन चिराग हैं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। दूसरे पॉलिटिशियन भी तो पाकिस्तान के बारे में भी सोचते हैं, वो देखें अब भी हुकूमत में आए हैं, कहते हैं हम पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म करने आए हूँ। आप देख सकते हैं आधा साल तो उन्होंने अपना 7.5 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया, बिलावल भुट्टो आधा साल 25 मई से गए हुए हैं लंदन, और ये दूसरे जो आप देख सकते हैं, अब आपने देखा होगा जब हम इमरान खान, सर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया था, उस वक्त भी आपने देखा होगा, ये राणा सनाउल्लाह वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने क्या किया था, कितनी ज़्यादा अपनी आवाम के लिए, आवाम के ऊपर अपनी मुश्किल अपनी डाली थी। अब ये आवाम के लिए सोचने आए हैं या अपने लिए सोचने आए हैं, आप देख सकते हैं। हुकूमत ने 2000 देने का भी ऐलान कर दिया है, पेट्रोल भी इतना महंगा है, सब कुछ इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब उस 2000 में एक गरीब आदमी क्या क्या ले सकता है? 2000 मिल जाए आप क्या करेंगे? मैं डोनेट कर दूंगा। लेंगे इस ले? बिल्कुल। क्या आपके लीडर तो एक्सेप्ट ही नहीं करते? बिल्कुल। खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें शिरकत की आपने? उसमें मैं जाना था लेकिन मेरी मम्मा ने नहीं जाने दिया, मेरे पापा और फादर गए थे मेरे, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे नहीं जाने दिया था, वो कहती हैं आपने नहीं जाना। आपने जीतने मैंने की थी लेकिन मामा नहीं मानी, मामा ने मना कर दिया था। पापा फ्यूचर प्लान्स? आगे मैंने एफएससी के बाद मैंने एयरफोर्स का मेरा इरादा है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा, कमांड ऑफिस मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन करनी है, आर्मी फील्ड मैंने ज्वाइन करनी है, और ताकि मैं पाकिस्तान के लिए कोई एक अजीम काम कर सकूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो मैं पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दूँगा। पाकिस्तानी आवाम को जो आपको देख रहे हैं उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे कुछ कहना? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि इस बार हमारे पास ये मौका है अभी भी कि हम लोग इमरान खान को सपोर्ट करें, क्योंकि इमरान खान वो लीडर हैं जो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, इसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ अकेले पाकिस्तान के साथ सोचता हो, जैसे आप देख सकते हैं वो एक अकेला शख्स पॉलिटिक्स में है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, जैसे आपने देखा है शहबाज शरीफ है, उनके बेटे हमजा शहबाज हैं, अब आगे उनका बेटा भी आ सकता है पॉलिटिक्स में, नवाज़ शरीफ है, उनकी बेटी मरियम नवाज़ हैं, अब आगे उनकी बेटी भी, उनका बेटा भी आ सकता है पॉलिटिक्स में, जरदारी हैं आसिफ जरदारी, और उसके बाद बिलावल भुट्टो, इनके बाद कोई भी आ सकता है पॉलिटिक्स में। अब देखिए हम इन दो ख़ानदानों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं, आप बताएं हम इन दो ख़ानदानों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, मैं भी लीडर हूँ, यहाँ पे हर एक जो गरीब बंदा है वो भी लीडर है,
हम सब लीडर बन सकते हैं, लेकिन ये हमें बनने नहीं दे रहे। ये चाहते हैं कि सिर्फ ये दो ख़ानदान हमारे मुल्क पर हमेशा के लिए हुकूमत कर रहे हैं। हमें 30-40 साल हो गए हैं हमारे मुल्क पर कब्ज़ा होकर बैठ गए हैं, इनकी नसल दर नसल ये लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये हमें मौका ही नहीं दे रहे आने के लिए पॉलिटिक्स में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमरान ख़ान आए, क्योंकि अगर इमरान ख़ान नहीं आए तो इन लोगों ने ऐसे ही चलते रहना है, इनके ख़ानदान ही आते रहेंगे, यही लोग आते रहेंगे पॉलिटिक्स में और यही लोग हमारे मुल्क को लूट खाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमरान ख़ान आए और वो ये अभी तक खुदा लीडर नज़र आए, ताकि वो आएँ और हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचें, यानी आवाम जो है वो खान साहब को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का भला हो। हाँ जी बिल्कुल। ये जी इमरान खान के नन्हे मदा थे अज़ान रिजवान, जिनकी बातें बड़ी खूबसूरत थी आपने सुनी, और उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से भी अपील की है कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं जो इन्हीं ख़ानदानों की और इनकी आने वाली औलादों की जो है हम गुलामी करते रहें, यही हमारे लीडर रहें और हम जो है वो सिर्फ वोटर रहें। बड़ी प्यारी बात की कि हर शख्स हमें जो है वो लीडराना क्वालिटीज़ रखता है, हर शख्स जो है वो इस कौम को लीड कर सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि हमें अपने हक के लिए जो है वो खड़ा होना होगा, फिर ही पाकिस्तान में जो है वो तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली के लिए आपको खड़ा होना होगा और इमरान खान को सपोर्ट करना होगा। ये था पैगाम इमरान खान के नन्हे मदा अज़ान रिजवान का।